भाजपा सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश में पुंगी बजाकर विरोध किया। मध्य प्रदेश के 28 सांसद प्रदेश के किसानों के हित पर क्यों मौन? खंडवा में भाजपा पर कांग्रेस ने किया हमला, सांसद कार्यालय पर पुंगी बजाई। सत्ता के वनवास से साल भर पहले सिंहासन पर वापस बैठी कांग्रेस अब खंडवा जिले में भी भाजपा पर हमलावर हो रही है। खाली खजाने का रोना लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आज कांग्रेस जन सड़कों पर उतरे। इस सिलसिले में उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय सहित सांसद कार्यालय का जहां एक ओर घेराव किया, वहीं दूसरी ओर पुंगी बजाकर विरोध भी किया। शहर कांग्रेस और ग्रामीण कांग्रेस द्वारा संयुक्त रूप से केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का मध्य प्रदेश में भेदभाव किया जा रहा है, जिसमें किसानों को जो राशि मिलनी चाहिए थी वह भी नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर कांग्रेस ने आज विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र की भाजपा सरकार और प्रदेश का भाजपा नेतृत्व निरंतर किसानों, वंचित वर्ग के नागरिकों व आम जन के साथ भेदभाव कर रहा है। प्रदेश में भाजपा के 28 सांसद चुनकर आए हैं, जो प्रदेश के साथ हो रहे इस अन्याय को मौन साधकर देख रहे हैं। विरोध स्वरूप आज दिनांक 30 नवंबर 2019 को खंडवा के सिविल लाइन स्थित कार्यालय सांसद सुविधा केंद्र पर दोपहर 12 बजे जिले के समस्त कांग्रेसियों ने एकजुट होकर सांसद कार्यालय पहुंचे, जहां गेट पर ताला लगा हुआ था और अंदर भी ताला लगा हुआ था, जहां कांग्रेसियों ने गेट के ऊपर चढ़कर अंदर घुस गए और जमकर नारेबाजी की। वहीं खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी शामिल हुए, केंद्र की नीतियों का विरोध किया। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष, ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मनीष मिश्रा, हेमलता पालीवाल, अवधेश सिसोदिया, हर्ष पाठक, इकबाल पहलवान आदि कांग्रेसी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के खंडवा से अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट।